गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग ऑल? आई नो यू आर डूइंग गुड एंड एन्जॉइंग योर ऑनलाइन क्लासेस. सो वेलकम अगेन इन योर ऑनलाइन क्लास ऑफ हिंदी सेकेंड ऑफ क्लास फर्स्ट. एज यू नो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव कम्प्लीटेड अवर लेसन नंबर 2, बड़े आ की मात्रा. सो टुडे वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 3, छोटे की मात्रा. बट बिफोर स्टार्टिंग अवर थर्ड लेसन, यू आर सपोज टू गिव द रिविजन टेस्ट ऑफ लेसन 1. तो बच्चों, हम अब स्टार्ट करते हैं अपने रिविजन टेस्ट से. आपको पता है आपकी बुक है नवीन पल्ला, और हम आपको देंगे आज लेसन 1 का, यानी कि बिना मात्रा वाले शब्दों का रिवीजन टेस्ट. तो बच्चों, आप तैयार हो जाइए. बी रेडी विद योर बुक एंड नोटबुक. फर्स्ट ऑफ ऑल, नोट योर रिवीजन टेस्ट इन योर नोटबुक. तो बच्चों, ये है रिवीजन टेस्ट आपका. नंबर 1 क्वेश्चन है आपका, बिना मात्रा के 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले और 4 अक्षर वाले चार चार शब्द लिखिए. तो आपको 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले और 4 अक्षर वाले चार चार शब्द लिखने हैं. ये आपको कॉलम दिए हुए हैं, इसमें करना है आपको. फिर दूसरा प्रश्न है आपका, पूरा कीजिए. इसमें देखिए लिखा है नय लय नल, तो इसमें एक जगह नय दिया है, एक जगह खाली जगह है, वहाँ पर आपको अक्षर जो है वो फिल करना है. दूसरा भी आपको दिया है, इसमें ऊपर खाली जगह दिए, नीचे लिखा है बै और दूसरे कॉलम में सै, तो इसको भी आपको पूरा करना है. ये आपका 4 मार्क्स का है, और ऊपर वाला क्वेश्चन आपका 12 मार्क्स का है. आप देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, खाली जगह भरिए. इसमें आपको ये 2 त्रिभुज दिए हैं, इसमें ऊपर लिखा है कै और नीचे लिखा है एक तरफ मैं, दूसरी तरफ रह. तो आपको एक बार कै और मैं को जोड़कर यहाँ पे अक्षर लिखना है, और यहाँ पर दूसरी जगह पर कै और रह को जोड़कर लिखना है. इसी तरह दूसरे त्रिभुज में ऊपर है दिया है, तो है और लय को जोड़ के अक्षर लिखना है, और दूसरे में है और मैं को जोड़कर अक्षर लिखना है. तो बच्चों, ये आपका रिवीजन टेस्ट है. आई होप आपके समझ में आ गया होगा. इसे आप अपनी सुंदर हैंड राइटिंग में, अपनी नोटबुक में करेंगे, और जब स्कूल खुलेंगे तब हम इसको चेक करेंगे. अब हम अपना लेसन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, छोटी ई की मात्रा. तो देखिए, छोटी ई की मात्रा, इसमें पहले आपको दिया है छोटी ई की मात्रा का शब्द, ऊपर लिखा है हिरन. अब देखिए, छोटी ई की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द, तो आप मेरे साथ इसको बोलेंगे. पहला शब्द है सिर, दूसरा चित्र, तीसरा दिन. फिर है छोटी ई की मात्रा के 3 अक्षर वाले शब्द, तो यह है सितार, किसान, माचिस. इसमें देखिए, छोटी की मात्रा आपको ये रेड कलर से दिखाई गई है. अब है छोटी की मात्रा के 4 अक्षर वाले शब्द, तो ये है हिमालय, नारियल, गिरगिट. तो बच्चों, ये आपको पढ़ना है. आप देखिए, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं. अब है आपका अभ्यास. अब आप जो है ये देखिए, पहला है इसमें उच्चारण कीजिए. तो मेरे साथ साथ आप इसमें उच्चारण करेंगे. पहली लाइन में 2 अक्षर वाले शब्द दिए हैं, तो आप इसे पढ़ेंगे. पिन, इला, दिन, लिख, गिन, गति, दिल, मति. उसके बाद है 3 अक्षर वाले शब्द हैं, चिराग, मिठास, किरण, टिकट, किताब, मिनट, चिड़िया, गिलास.
अब हैं चार अक्षर वाले शब्द, इसमें हैं साइकिल, परिवार, शनिवार, क्रिसमस, रविवार, रिमझिम, नारियल, परिमल। अब दूसरे में है पढ़िए, ये भी आपको पढ़ना है, तो ये पढ़िए मेरे साथ। शशि सितार बजा, निकिता गिटार बजा, शिशिर किताब पढ़, गिटपिट मत कर। फिर नीचे है निमिषा बिटिया नाच दिखा, तिरकिट तिरकिट धिन धिन धिन। अब तीसरा प्रश्न है आपका, चित्र देखकर उनके नाम लिखिए। तो देखिए पहला चित्र ये गिरगिट का है, ये आपके देखिए पेज नंबर 24 पर भी दिया है गिरगिट। फिर दूसरा चित्र है किताब, तीसरा है गिलास, फिर दूसरी लाइन में पहला है डलिया, फिर है सितार, और सबसे लास्ट में जो आपका है ये है चिड़िया। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। देखिए ये है आपका गिलास और चिड़िया। अब हम जो हैं अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब सुलेख की बारी, इसमें आपको दिया है डिबिया, डलिया, किसमिस और झिलमिल। तो ये बच्चों आपको सुलेख है, ये आपको इसी में बुक में ही बीच की दो लाइनों में साफ साफ करना है जैसा कि बुक में दिया है, और ऊपर वाली लाइन को ओवरराइट करना है आपको, उसके ऊपर हाथ फेरना है। अब आ जाइए नीचे, कुछ अलग करें। तो ये जो है कुछ अलग करें, इसमें देखिए शब्द बनाइए, तो हमें ये सर्कल दिए हैं, इसमें शुरू के दो सर्कल जो हैं, तीन सर्कल, उनमें तीन तीन अक्षर दिए हैं, और लास्ट के जो हैं उसमें चार चार, और इन्हें जोड़कर हमें शब्द बनाने हैं। तो पहला वाला हमें दिया है इन्होंने, तो पहला बनाया डाकिया, और दूसरे में है री है, ता है और स है, तो उससे सही शब्द बना सरिता, तीसरे में बना हिरन, चौथे में शनिवार, और लास्ट में बना साइकिल। तो बच्चों ये आपके समझ में आ गया होगा। और ये वाला जो है आपका, ये आपको होमवर्क में भी करना है अपनी कॉपी में। तो यहाँ पर हम होमवर्क लिख देते हैं, ये भी आपको होमवर्क में करना है और साफ साफ करना है, बुक में भी करना है, नोटबुक में भी। और हम आपको अलग से और जो दे रहे हैं होमवर्क, वो हम आपको आगे देंगे। तो देखिए ये है आपका होमवर्क, लेसन 3, छोटी ई की मात्रा के दो अक्षर वाले, तीन अक्षर वाले और चार अक्षर वाले पांच पांच शब्द लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। इससे आप अपने, आपको मैंने दो क्वेश्चन दिए, एक तो ये छोटी ई की मात्रा के दो अक्षर वाले, तीन अक्षर वाले और चार अक्षर वाले पाँच पाँच शब्द, और लास्ट वाला क्वेश्चन जिसमें सर्कल बने वो आपको अपनी नोटबुक में करना है। अब आपका लेसन कंप्लीट हुआ, आप इसे अच्छी तरह याद करें। तब तक के लिए टेक केयर।